दोस्तों यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको मूवी क्विक का जो पे लेटर का अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लीजिए और यहाँ से मूवी क्विक को अपडेट कर लीजिए। ठीक है, मूवी क्विक सर्च करिए, यहाँ से अपडेट कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आपका जो यहाँ पर मेरा ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, हो सकता है आपका यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दिखे। ठीक है, तो जैसे ही आप अपडेट कर लेंगे, इसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पर आपका सारा कुछ क्रेडिट या फिर जो भी चीज़ें होती हैं टोटल, यहाँ पर ऊपर आप में आप देखेंगे जितना जेब पे लेटर का और जो है अमाउंट मिला रहता है आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए। यहाँ पर मुझे 20,000 का मिला हुआ है, जो कि उसमें से कुछ जो है मैंने अब यूज किया है, तो उसकी वजह से यहाँ पर 19,855 रुपये दिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जेब पे लेटर में सारी चीज़ें, यहाँ पर सारी फैसिलिटी मिल जाती है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है हमें जो है जेब पे लेटर का अमाउंट को ट्रांसफ़र करने का बैंक अकाउंट में, वो मिलता है रेंट का। तो रेंट वाला ऑप्शन कहाँ पर आपको मिलेगा, सिंपली आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा रिचार्ज एंड, यहाँ पर रिचार्ज एंड बिल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर ऑल कैटेगरी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद पॉपुलर सर्विस यहाँ पर दिख रहा होगा, होम सर्विस, इसके बाद मोर सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपको होम सर्विस में आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक रेंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो रेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। रेंट वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, अगर आपका ऑलरेडी पहले से बैंक अकाउंट अगर ऐड आपने किया होगा तो शो हो जाएगा, उसमें भी पैसे ले सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐड करना है और आप सभी को बताना है किस तरीके से ऐड करके पैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐड एंड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा। इसके बाद यहां पर अकाउंट नंबर टाइप करूंगा जिसमें आपको बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, उस बैंक अकाउंट का यहां पर नंबर टाइप कर देना है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहां पर नंबर टाइप कर दे रहा हूं, तो सिंपली यहाँ पर देखिए मैंने नंबर टाइप कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आईएफएससी कोड आपको टाइप करना है, जो भी आपके बैंक का आईएफएससी कोड हो उसे आपको टाइप कर देना है। सिंपली आप उसे जैसे ही टाइप कर देंगे, इसके बाद क्या प्रोसेस होगा आगे का वो भी बताने वाला है। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर जो है आईएफएससी कोड टाइप कर देता हूँ, इसके बाद आगे का जो प्रोसेस होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपली यहाँ पर आईएफएससी कोड टाइप करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिला है कंटिन्यू का, सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए जिसका जो है रेंट पे करना चाहते हैं, यहाँ पर किसी का भी नेम डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने यदुवंशी सूरज डाल दिया। ठीक है, 5,000 अमाउंट डालने के बाद इसके बाद कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा कितना अमाउंट लग रहा है टोटल, यहाँ पर दिख रहा होगा टोटल अमाउंट। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर सॉरी कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे, टोटल अमाउंट 5,000, इसके बाद कन्वर्सन फीस लग रहा है 176 रुपये। तो पे आउट जो बनेगा आपका 5,176 रुपये का पे आउट बनेगा। तो अभी देख रहे हैं जिप पे लेटर का 19,885 रुपये है, जिसमें कन्वर्सन फीस भी लग रहा है क्योंकि आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे निकाल रहे हैं, और ट्रांजेक्शन बिल भी यहाँ पर शेड्यूल्ड ड्राइंग बैंकिंग आवर्स यानी 9 से 5 में आपको ट्रांजेक्शन करेंगे तभी जाकर आपके बैंक अकाउंट में आएगा, नहीं तो यानी कि 9 AM से लेकर 5 PM तक। ठीक है, मतलब बैंकिंग आवर्स होना चाहिए। अब आपको सिंपली क्या करना है, पे कर देना है। ठीक है, जैसे ही पे कर देंगे ये ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा, जो बैंक अकाउंट में आपने ऐड किया है। ठीक है, ये अमाउंट चला जाएगा। अब कई लोग ये बोलेंगे मेरा बैंक अकाउंट जो है पे लेटर का अमाउंट छोटा है यानी 5,000 से कम है, तो पैसे कैसे निकाले। देखिए कई ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है किसी का आप मोबाइल रिचार्ज कर दीजिए, जैसे कि यहाँ से मोबाइल रिचार्ज कर दीजिए किसी का, उससे पैसे ले लीजिए। इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट कर दीजिए, क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर दीजिए, पे लेटर यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर LPG किसी का बुक कर दीजिए, नहीं तो आप नियर बाई आप गैस एजेंसी पे जाएंगे तो वहाँ पर LPG नंबर मांगकर आप 2-3 LPG बुक कर देंगे, 2-3 हज़ार रुपये आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। किसी का LIC पे कर दीजिए। इसी तरीके से जो सर्विसेज हैं जो कि पे लेटर के अंदर आती हैं, उसे यूज करके आप आसान तरीके से पैसे निकाल सकते हैं। बस यही तरीका है, आप कोई ऐप के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि यूट्यूब पर ढेर सारे ऐसे ऐप बताए जाते हैं जिस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए ऐसे आपका पैसा निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो मैं तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल रियल और बिल्कुल जेन्युइन है, इसी तरीके से आप पैसे निकालिए और कुछ भी यूज नहीं करना है मूवी क्विक जीपे लेटर का पैसे निकालने के लिए।